संजय गांधी अस्पताल, वहां ले गए तो वहां भर्ती किए, लेकिन आयुष्मान कार्ड जब हम लेकर के गए वहां, हमने कहा आयुष्मान कार्ड कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये कांग्रेस का राहुल जी का है और ये योगी और मोदी का अस्पताल नहीं है, यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा। और चाचा की तबीयत कैसी है? चाचा हमारे 26 तारीख को ही उनका देहांत हो गया। आपने डॉक्टर के खिलाफ या किसी को बताया नहीं, क्योंकि आयुष्मान कार्ड तो वो चिन्हित अस्पताल है। हमने आयुष्मान जो आयुष्मान कार्ड पे वो हेल्पलाइन नंबर है उस पर हम कॉल किए थे, तो उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन वहीं इसका ऑफिस है, वहाँ हम पता किए, ऑफिस भी वहाँ नहीं पता लगा कि कोई बताया नहीं, क्योंकि हम लोग अनजान आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे भी हम लोग नहीं हैं, और एक भाई पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ अब हम क्या बताएं। तो आपको ये किसने मना किया आपको? डॉक्टर सिद्धार्थ एक है, डॉक्टर सिद्धार्थ ने ही कहा। क्या कहा? कहा कि ये योगी मोदी का सरकार है, ये कांग्रेस का, ये राहुल गांधी का अस्पताल है, संजय गांधी, तो यहाँ कार्ड नहीं, यहाँ कार्ड नहीं चलेगा। आपने कहा चाचा मरने की कगार पे हैं? जी जी, उन्होंने कहा कि यहाँ से लेकर के जा सकते हो। अरे हम लोग वहाँ पांव टक्का जोड़े हैं, उन्होंने कहा यहाँ नहीं होगा। वहाँ 500 जितने मरीज के सब गांव के आए थे, उनके साथ आए थे, 400-500 लोग थे। अब हमारे पास वीडियो नहीं तो अब हमें मरीज हमारा वो था, नहीं तो हम वीडियो बनवाते तो आप देखती दीदी, ये आप समझ लीजिए। और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो हमारे चाचा हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हैं, ये है रोही या यही है अनाथ है, ये आगे या यही है, ये उनका लड़का है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रस्तुत शर्मा और आप देख रहे हैं टिंटिन फिल्म एडवेंचर्स का शो राजनीति कल्चर लाइव। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के वोट डाले गए हैं, 7 राज्यों में 51 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। इस चरण में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी, जिसमें राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी है। अमेठी से स्मृति ईरानी और राहुल गांधी में सीधी टक्कर है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, ये वीडियो स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया था। वीडियो ट्वीट करके उन्होंने अमेठी के एक अस्पताल के मरीज के इलाज नहीं करने पर आरोप लगाया था। वजह ये बताई गई थी कि मरीज के पास आयुष्मान कार्ड था और अस्पताल के ट्रस्टी खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थे। इस वीडियो के मुताबिक एक आदमी के चाचा की मौत सिर्फ इसलिए हो गई थी क्योंकि उसके पास आयुष्मान कार्ड था और इलाज के लिए अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में गया था। स्मृति ईरानी ने लिखा, आज मैं निशब्द हूँ, कोई इतना गिर सकता है ये कभी नहीं सोचा था। एक गरीब को सिर्फ इसलिए मरने दिया क्योंकि उसके पास मोदी जी का आयुष्मान कार्ड था पर अस्पताल राहुल गांधी का था। वीडियो में व्यक्ति अस्पताल पे आरोप लगाते हुए बोलता है कि हमने अपने चाचा को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया था, हमारे पास यह आयुष्मान कार्ड था, उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया। अस्पताल वालों ने कहा कि अस्पताल कांग्रेस और राहुल गांधी का है, किसी मोदी या योगी का नहीं है, यहाँ पे कोई आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा। जिसके बाद एक महिला सवाल पूछती है, चाचा का क्या हुआ? फिर जवाब आता है, चाचा का निधन हो गया। अब बारी आई पीएम नरेंद्र मोदी की। हाल ही में मोदी जी एमपी में थे, उन्होंने यहाँ सागर और ग्वालियर की रैली की थी। पीएम ने ग्वालियर की रैली में इसी मामले पर कांग्रेस को घेर लिया था। रैली के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, अमेठी में एक व्यक्ति को एक अस्पताल में केवल इसीलिए इलाज नहीं मिला क्योंकि वो गरीब आदमी आयुष्मान कार्ड लेकर वहाँ पे पहुँचा था। इस अस्पताल में नामदार के परिवार का एक सदस्य ट्रस्टी भी है। स्मृति ईरानी और पीएम मोदी के आरोपों के बाद संजय गांधी अस्पताल के डायरेक्टर एसएम चौधरी की भी सफाई आई। अस्पताल के डायरेक्टर ने आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत संजय गांधी अस्पताल में 200 मरीजों का इलाज हो चुका है। अस्पताल के डायरेक्टर ने बाद में ये भी कहा, जिस मरीज की बात हो रही है वो अपने साथ आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं लाया था, इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल सकता जिनके पास कार्ड नहीं है। अब अगर अस्पताल वाले ये कह रहे हैं कि 200 लोगों का यहाँ पे इलाज हो चुका है जिनके पास आयुष्मान कार्ड था, तो इस आरोप में ये बात गलत साबित हो जाती है कि आयुष्मान कार्ड होने की वजह से अस्पताल के मरीज का इलाज नहीं किया। अब सच क्या है यह अभी पूरे विश्वास के साथ तो नहीं कहा जा सकता। वैसे हमारा ये मानना है कि आयुष्मान कार्ड हो या ना हो,
लेकिन इलाज की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। सर्दी जुकाम या फिर ऐसी किसी छोटी बीमारी में वापस भेजा जा सकता है, लेकिन बात जब जिंदगी और मौत की हो तो वहाँ पे किसी कार्ड या किसी दस्तावेज की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए, इलाज चालू हो जाना चाहिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।